तो एलजी मनोज सिन्हा खुद पहुंचे हालात का जायजा लेने के लिए और उन्होंने जम्मू यात्री निवास पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। कल से ही यात्रा एक तरह से शुरू हो रही है और अब यात्री निवास में जायजा लेने के बाद एलजी मनोज सिन्हा वापस लौट रहे हैं। तमाम आला अफसरान के साथ उन्होंने मुलाकात की, यात्रियों से भी उन्होंने श्रद्धालुओं से बातचीत की कि किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा यात्री निवास जम्मू पहुंचे जहां पर उन्होंने यात्रा को लेकर इंतजाम को लेकर तमाम जो अपडेट्स हैं उन्हें जाना है, इंतजाम के बारे में तफसीलात हासिल की हैं और यात्रियों से भी मुलाकात कर रहे हैं और यात्रियों से भी जानने की कोशिश की कि इंतजाम में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है। सीधी तस्वीरें हम आपको जम्मू के यात्री निवास से दिखा रहे हैं जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यात्रियों से मुलाकात करने पहुंचे यात्री निवास में, क्योंकि श्रद्धालु बड़ी तादाद में जम्मू के यात्री निवास पहुंच रहे हैं और यहाँ पर अब कल सुबह से ही यात्रा आगे बढ़ेगी और यात्रा की शुरुआत होगी। हालांकि 1 जुलाई से यात्रा शुरू हो रही है लेकिन उससे पहले ही जम्मू के यात्री निवास में बड़ी तादाद में श्रद्धालु जुट रहे हैं और उनमें काफी जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अभी भगवती नगर बेस कैंप आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी रिव्यू करने के बाद, पूरी अरेंजमेंट्स को रिव्यू करने के बाद अभी जो यात्रु यहां पर हैं उनसे भेंट कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, लोग मनोज सिन्हा के साथ सेल्फी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों से जिस तरह की यहां पर अरेंजमेंट्स की गई हैं यात्रा को लेकर, मनोज सिन्हा उन यात्रियों से मिल रहे हैं, उनसे उनकी जो कुशल मंगल पूछने के बाद, यात्रा अरेंजमेंट्स रिव्यू करने के बाद इन्होंने यहां पर लोगों से भेंट की जो यात्रु आए हुए हैं। और अभी हर एक रूम में जाके जो अरेंजमेंट्स की गई हैं यात्रा के लिए उन्हें देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों का उत्साह कितना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जब यहां पर आए तो लोगों ने जय श्री राम हर हर महादेव के नारों से उनका स्वागत किया है। अभी लोगों ने उनके साथ सेल्फियां भी ली हैं। अभी मनोज सिन्हा फिर से उच्च अधिकारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सिक्योरिटी एजेंसीज के अधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने अभी एक रिव्यू मीटिंग की है। अभी यहां पर कल से यात्रा को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। 62 दिन की ये जो यात्रा है कल सुबह लगभग 4 बजे जम्मू से फ्लैग ऑफ किया जाएगा यात्रा को। आप देख लीजिए यात्रु इस वक्त मनोज सिन्हा से मिल रहे हैं, उन्हें जो अरेंजमेंट्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं। यात्रा 62 दिन की इस बार सबसे लंबी यात्रा जो है पिछले कई दशकों में पहली बार 62 दिन की यात्रा होगी। फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं ताकि यात्रा जो है बिना किसी विघ्न के कंप्लीट हो। कैमरामैन चांद के साथ तेजेंद्र सिंह सोडी, न्यूज 18 के लिए। तो भगवती नगर जम्मू से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर एलजी मनोज सिन्हा खुद इंतजाम का जायजा लेने के लिए पहुंचे और ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यात्री निवास भगवती नगर से अब जो श्रद्धालु हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जो यात्री हैं देश के अलग अलग हिस्सों के उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इंतजाम में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं रह गई है। और अब भगवती नगर यात्री निवास से एलजी मनोज सिन्हा इस वक्त बाहर निकल रहे हैं, उन्होंने अफसरान के साथ बाकायदा मीटिंग की और यात्रियों से जो इंतजाम किए गए हैं उनसे जानने की कोशिश की है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से ही दिखा रहे हैं जहां पर एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया, इंतजाम का उन्होंने जायजा लिया और जो आला अफसरान हैं उनसे भी मुलाकात की है। तो जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं उनमें काफी जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। कल सुबह से ही यात्रा की शुरुआत होगी और 1 जुलाई से बाकायदा इस यात्रा की शुरुआत होनी है। तो जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों के जाने की शुरुआत होगी और उसके बाद ये यात्रा एक तरह से आगे बढ़ेगी, 1 जुलाई से इसकी शुरुआत होनी है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एलजी मनोज सिन्हा भगवती नगर के यात्री निवास पहुंचे हैं और हालात का उन्होंने जायजा लिया है। खुद एलजी से बात करने की भी इस वक्त कोशिश की जा रही है, कितने वो मुतमईन है तैयारियों को लेकर, क्योंकि अब स्टेज बिल्कुल सज चुका है और अब यात्रा कुछ ही घंटे बचे हैं और कुछ ही घंटों में यात्रा बाकायदा शुरू होने वाली है।
जगह छोड़ दो, मैं पूछ लेता हूँ। मोदी है तो मुमकिन है सर, बाइट देंगे सर प्लीज। सर बाइट, सर छोटी सी बाइट दे देंगे सर, यात्रा पे छोटी सी बाइट सर। हम चलते रहेंगे उल्टा। चांद बाइट नहीं दे रहे, रुक जाओ, फिर गाड़ी पीछे रुक जाओ। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको भगवती नगर जम्मू से दिखा रहे हैं, जहां पर यात्री निवास में खुद एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे थे। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है, क्योंकि अब बड़ी तादाद में यात्री भगवती नगर यात्री निवास से पहुंचना शुरू हो गए, और यहां पर यात्रियों से भी मुलाकात की है। जो स्टॉल लगाए गए हैं, जो भंडारे लगाए गए हैं, उसमें भी जो लंगर लगाए गए हैं, वहां पर जो यात्री हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे एक तरह से तमाम हालात जानने की एलजी मनोज सिन्हा ने कोशिश की, और खासतौर से जो तैयारियां की गई हैं उन पर भी उन्होंने चर्चा की। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे, और इस वक्त एक श्रद्धालु से बात कर रहे हैं, क्योंकि कई श्रद्धालुओं को कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि लाखों की तादाद में यात्री पहुंच रहे हैं। सर थोड़ा यहीं हमारे हाँ कोई नहीं कोई नहीं, कैमरा यार अब क्या कैमरा नीचे यार ऊपर देख कैमरा देखो आप लाओ नहीं चंदन सर थोड़े तो जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे हैं और यात्रियों से भी उन्होंने बात की है और हालात जानने की कोशिश की है। जो इंतजाम किए हैं उसका जायजा लिया है। तमाम जो बड़े अफसरान हैं उनसे बैठक भी एलजी मनोज सिन्हा ने की है, और जो इंतजाम किए गए हैं उस पर एक तरह से चर्चा की है। तो लगातार एलजी मनोज सिन्हा से इस मौके पर बातचीत करने की भी न्यूज 18 जेकेएलएच ने कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, क्योंकि हजारों की तादाद में श्रद्धालु इस वक्त भगवती नगर यात्री निवास में मौजूद हैं। कल से ही एक तरह से जो जम्मू से जो यात्री हैं ये कश्मीर के लिए रवाना होंगे, पहलगाम और नुनवन बेस कैंप या बालतल बेस कैंप के लिए रवाना होंगे, और उसके बाद 1 जुलाई से बाकायदा यात्रा शुरू हो जाएगी। पिछो